जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के एलजी के संरक्षण में एक महिला डॉक्टर का शोषण पिछले 1.5 साल से 1 साल से चल रहा है, उसकी शिकायत बार बार हो रही है, बावजूद इसके एलजी शोषण करने वाले एमएस को बचाने में लगे हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में उस महिला ने शिकायत की और 4 महीने धक्के खाने के बाद उस मामले में एक इंटरनल कमेटी बनाई गई। दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार उस महिला डॉक्टर से नहीं मिलता, बार बार उसको धक्के खाने पड़ते हैं, उस महिला डॉक्टर से मुलाकात नहीं करता, एमएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, एमएस के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता। जिस एमएस की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको जेल में भेजना चाहिए, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। 4 महीने के लंबे प्रयास के बाद इंटरनल कमेटी बनाई जाती है उस महिला डॉक्टर के मामले की जांच करने के लिए। 4 महीने के बाद, और उसके बाद मार्च में ही उस महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है। फरवरी में उसके यौन शोषण के आरोप से संबंधी जांच कमेटी बनती है, मार्च में उसी महिला डॉक्टर के खिलाफ जिसने यौन शोषण के सबूत दिए, प्रमाण दिए, उसी के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है। सारे प्रमाण और सबूत पाने के बाद मई के महीने में, 2024 में सारे आरोप सही पाए गए, सारे आरोप सही पाए गए, यानी कि उस एमएस के खिलाफ जिसके खिलाफ महिला डॉक्टर आरोप लगा रही थी, उसने यौन शोषण इस महिला का किया था, ये आरोप इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के द्वारा सही पाए गए। अब तो उस एमएस की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली के एलजी महोदय, जिसको प्रधानमंत्री ने बिठाया है यहां पर यौन शोषण करने वालों को बचाने के लिए, महिलाओं के साथ शोषण करने वालों को संरक्षण देने के लिए, जिसको भाजपाइयों ने बैठाया है यहां पे कि महिला डॉक्टरों के साथ यौन शोषण हो तो उसका संरक्षण करो एलजी साहब, उस एलजी ने मई से लेके अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आपने ट्रांसफर पोस्टिंग कार्रवाई का अधिकार अपने एलजी को इसीलिए दिया हुआ है कि महिला का शोषण करने वालों को बचाओ, महिला डॉक्टर की शिकायत पर शांति से 1 साल तक बैठे रहो? क्या आपने इसीलिए यहां का स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार बिठा रखा है कि महिला डॉक्टर शिकायत करने जाए तो उससे हफ्तों दर्जन बार मिलो नहीं, हफ्तों उसको लटकाओ दौड़ाओ? क्या आपने दीपक कुमार को इसलिए बिठा रखा है, यहां का स्वास्थ्य सचिव इसलिए बैठा हुआ है कि वो महिला डॉक्टर के खिलाफ ही जांच शुरू कर दे जो शिकायत करता है? दिल्ली के एलजी साहब, क्या आप दिल्ली में भी कलकत्ता की घटना रिपीट करना चाहते हैं?